चार दिन के बाद जब सारा चीज़ क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, तो उनके बाद चार दिन के बाद रिजल्ट आना चाहिए था, क्योंकि दो दिन को आने में कम से कम 28 दिन लगेगा। तो हम लोग इस दिन आए हैं तो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नहीं है, तो पहले शिक्षा मंत्री थे, हम आए थे, तो निकाल देना चाहिए था सर आयुक्त को, लेकिन हमको ये जो भी मैसेज मिल रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारे मरे पुराने आदेश ब्रेक कैसे हुआ, जैसे आधे लोग की भर्ती हो गई उसके बाद ब्रेक कैसे हुआ, यही जानने के लिए हम लोग लगातार जाने के लिए यही लगा, विभाग हमें यही नहीं बता नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से रोके गए पांचवी वीडियो को, क्योंकि पांचवा ही जानने के लिए बहुत समय बर्बाद हो गया है, और यहां कार्यालय हो चुका है, छठवीं लिस्ट के लिए हम लोग आए हैं, दूसरी चीज़ें हम लोग कितनी लिस्ट निकल चुकी है, शिक्षक अलग अलग समय से निकल रहा है, कब से निकल गई पहली लिस्ट, कबाई ये अगस्त जुलाई अगस्त में अगस्त में आई 2023 में पहली लिस्ट आई थी, उसके कितने महीने के अंतर में आ रही है आगे की लिस्ट, उसके बाद मतलब दो मंथ तक कंटिन्यू चला काउंसलिंग, उसके बाद आचार संहिता हो गया, विधानसभा चुनाव, उसके बाद जस्ट विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद फिर 5 मार्च से स्टार्ट हुआ, फिर कंटिन्यू चल रहा था, फिर अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें रुका, तो आप लोग